Hello everyone, today we will take another lecture of peptide synthesis. In the last lecture, we did the basic method, which is a classical method for the synthesis of amino acid. Okay, and I am again going to give you brief introduction regarding the peptide synthesis. Peptide synthesis hoti kya hai? Basically, in this one amino acid is treated with another amino acid, and with loss of water from this side, we are getting NH2CHR1CO. Here NH is there, R2COH, and this linkage CONH amide linkage is known as peptide linkage or peptide bond. Okay, basically in this you have to treat amino acids with one another, and with loss of water we are getting peptide bond linkage between them, right? And in the last lecture we see how we are using the protective group strategies for synthesizing peptide bond, right? Lot of protecting groups are there, BOC tha, theek hai, FMOC tha, DCC tha, bahut sare protecting groups ke example maine kal aapko kal wali video mein de diye the. Okay, so we have to use basically any protecting group for peptide synthesis. We covered the classical method, but classical method has lot of disadvantages. Why lot of disadvantages? Because it is a very lengthy procedure, it is time consuming process, yield of desired product it is very very low, right? इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो आप चेन रिपीट करते जाते हो, जैसे एक अमाइनो एसिड को दूसरे के साथ रिएक्ट करवाया, दूसरे को तीसरे के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो एट द एंड जो डिज़ायर प्रोडक्ट था, हमें जो चाहिए उसकी यील्ड हमारे पास बिल्कुल बहुत बहुत लो चली जाती है, राइट? दैट्स वाई क्लासिकल मैथड इज़ नॉट प्रेफरेबल मैथड. तो सेकेंड मैथड जो हमारे पास है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज़ अ सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, राइट? Now, I'm going to start solid phase synthesis. Very important topic, right? Solid phase synthesis, right? It is known as SPPS in short, solid phase peptide synthesis, right? SPPS. It is first discovered by Robert Bruce Merrifield. किसने discover किया इसको? Robert Bruce Merrifield in 1962. How he performed this experiment? He used a polystyrene solid bead. उसने एक solid sport ले लिया इसमें. Why? Solid phase है, it means you have to take phase as a solid sport. जैसे हम labs में reaction करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो चीज़ें mix कर ली, उसके बीच में ethanol डाल दिया, methanol डाल दिया, you can take any solvent. तो वो reaction होगी solution phase reactions, ठीक है? तो इसमें उसने क्या किया कि एक polystyrene solid ले लिया, उसकी बीड्स बना ली और उसको एक स्पोर्ट की तरह एक्ट किया जिसपे सारी रिएक्शन की उसने, राइट? जनरली SPPS इज़ वन ऑफ द रिपीटेड साइकल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स चेन इन विच वी डू डी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन. अब इसका क्या मतलब है ये मैं करवाती हूँ आपको. बेसिकली बेसिक प्रोसीजर है जो सॉलिड फेज सिंथेसिस का, वी हैव टू टेक अमाइनो एसिड, ओके, एंड यू हैव टू टेक एनी सॉलिड रीजन स्पोर्ट. ले लिया सॉलिड स्पोर्ट, ये अमाइनो एसिड सॉलिड के स्पोर्ट पे क्या करेगा, अटैच हो जाएगा, इट विल अटैच ऑन इट. देन यू हैव टू टेक अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड जो आपने लिया था, ठीक है, तो सबसे पहला काम, चाहे वो पिछला मेथड था क्लासिकल, चाहे वो सॉलिड स्पोर्ट मेथड है, वी हैव टू डू प्रोटेक्शन ऑफ एनएच टू. एंड टर्मिनल पे आप कोई भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दीजिए, प्रोटेक्शन. देन यू हैव टू कपल विद अनदर अमाइनो एसिड, तो यहाँ पे पेप्टाइड चेन बन जाएगी. पेप्टाइड चेन जो बनेगा उसको नए अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, फिर नए अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. व्हेन यू गेट द डिज़ायर प्रोडक्ट, जब हमारे पास जितनी हमने सिंथेसिस करनी थी पेप्टाइड चेन की, जब वो हो जाएगी, उसके बाद जो ये वाला प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे लगाया गया था उसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव कर देंगे, एंड वी आर गेटिंग पेप्टाइड चेन ऑफ लॉन्ग अमाइनो एसिड्स, राइट? दिस इज द बेसिक ऑफ सॉलिड फेज सिंथेसिस. सी, सॉलिड स्पोर्ट जो यूज किया जाता है, बेसिकली इट इज अ पॉलीस्टाइरीन बीड. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में इसी को यूज करते हैं. इट इज अ पॉलीस्टाइरीन बीड इन विच, ये कैसे बनाते हैं हम, स्टाइरीन है ये, ठीक है? स्टाइरीन होती क्या है, ये आपने बहुत बार यूवी वगैरह में भी पढ़ा था, मैंने करवाया हुआ है आपको. दिस इज स्टाइरीन,
बेंजीन हैविंग सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। एक तो आपने लेनी है स्टायरीन, एक आपने स्टायरीन ही लेनी है बट इसकी पैरा पोजिशन पे आपने सी एच टू सी एल लगा देना है, राइट। तो इन दिस वी आर टेकिंग स्टायरीन विद पैरा क्लोरो मिथाइल स्टायरीन, बोथ ऑफ दीज रिएक्ट विद वन अनदर। रिएक्शन कहाँ से होगी, यहाँ से यहाँ तक, एंड वी आर गेटिंग पॉलीमर ऑफ दिस। ठीक है, ये वाला बीच में ऐसे ही रह गया, तो उसके साथ ये सी एच पड़ा है, सी एच के साथ क्या है, दिस इज सी एच टू, सी एच टू के साथ दिस इज सी एच, और यहाँ पे आगे लॉन्ग चेन लगती रहेगी। सेम अनदर वे यहाँ पे सी एच टू था, फिर दोबारा ये इसके साथ एन यूनिट के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये सेम चेन आ गई, फिर सी एच टू आ गया, तो ये सारी चेन रिपीट होती जाएगी, बट बेसिक स्केलेटन जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो यही है। तो इट इज़ अ पॉलीस्टायरीन रेजिन और पॉलीमर, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैरी फील्ड रेजिन। क्या बोलते हैं, मैरी फील्ड रेजिन, क्योंकि जो साइंटिस्ट का नेम था इट इज़ द रॉबर्ट ब्रूस मैरी फील्ड, एंड ही यूज द मैरी फील्ड रेजिन, एंड ही टेक्स स्टायरीन एंड पैराक्लोरो मिथाइल स्टायरीन, और ये वाला पॉलीमर बन गया। मैं इस सारी चेन को जो मैंने रेड की हुई है मैंने इसको पी से लिख लिया, बेसिकली इट इज़ अ पॉलीमर, राइट। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, यू हैव टू टेक एनी अमाइनो एसिड, राइट। सपोज दिस इज अवर अमाइनो एसिड, फर्स्ट स्टेप इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम एन टर्मिनल। कोई भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप अटैच कर दो, एच निकल जाएगा, सपोज आई एम अटैचिंग बी ओ सी हेयर एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। सेकेंड स्टेप, ट्रीटमेंट विद सॉलिड स्पोर्ट पॉलीमर आफ्टर डूइंग द पॉलीमराइजेशन, ठीक है, सॉरी प्रोटेक्शन। तो आपने क्या करना है, जो ये प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड था उसको मैंने क्या किया, जो हमारे पास ये पॉलीमर बना था सी एच टू सी एल, और इसको सारी चेन को बार बार लिखने से अच्छा है मैं इस सारी चीज़ को क्या लिख रही हूँ, पॉलीमर, बस सिर्फ मैं यही चीज़ लेके चल रही हूँ, ऊपर वाली सी एच टू सी एल पॉलीमर, राइट। विद लॉस ऑफ दिस, सॉरी विद लॉस ऑफ एच सी एल, बट वी आर गेटिंग बी ओ सी एन एच सी एच आर सी ओ ओ सी एच टू पॉलीमर, बेसिकली सी ओ ओ आर, दिस इज एस्टर लिंकेज, क्लियर। दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, जब हमारे पास ये सारा सॉलिड स्पोर्ट पे अटैच हो गया पॉलीमर, हमने प्रोटेक्शन भी कर ली इसकी, ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने उसके जो है पॉली बी ओ सी वाले को हमने क्या करना था, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव कर देना है, ठीक है। बी ओ सी इज रिमूव्ड बाई यूजिंग सी एफ थ्री सी ओ ओ एच। हर प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए अलग अलग स्ट्रेटर्जी है कि हमने उसको कैसे रिमूव करना है, बट फॉर बी ओ सी वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड इन दिस बाई यूजिंग सी एफ थ्री सी ओ ओ एच ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा एंड वी आर गेटिंग एन एस टू अगेन, राइट। इट इज पॉलीमर बाउंड फ्री अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड तो वही है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, बट वी इट इज पॉलीमर बाउंडेड। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड बी ओ सी प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड इज एडेड टू द पॉलीमर बाउंडेड अमाइनो एसिड। अब ये वाला तो पॉलीमर बाउंडेड था, अब एक और अमाइनो एसिड लेना है जिसमें आपने, जैसे ये वाला है सपोज इसी मॉइटी को आप इसके साथ रिएक्ट करवा दो, तो पॉलीमर बाउंडेड अमाइनो एसिड के साथ प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड को आप क्या करोगे, रिएक्ट करवाओगे, ठीक है। तो क्या है देखो आगे, ठीक है, हमारे पास अभी तक क्या आया था, दिस इज द बी ओ सी प्रोटेक्टेड न्यू अमाइनो एसिड, मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो उसको रिएक्ट करवाया, जो आपके पास फ्री अमाइनो एसिड था पॉलीमर बाउंडेड इसके साथ रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने के बाद अगेन यहाँ से वाटर का लॉस होता है, ठीक है, तो यू हैव टू यूज एनी कपलिंग रिएजेंट, डीसीसी बुक में लिखा हुआ है, तो कोई भी आप ले सकते हो। विद रिमूवल ऑफ वाटर वी आर अगेन गेटिंग बी ओ सी एन एच सी एच आर डैश सेम सी ओ, वाटर निकल गया, यहाँ से क्या बना एन एच सी एच, ये सारी चीज सेम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया जो डिजायर्ड था। अब क्या करोगे, पेप्टाइड चेन आ गई, तो फिर बी ओ सी को क्या करना है, हमने रिमूव करना है, तो सेम वी आर बी ओ सी प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज रिमूव्ड एज स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री में कैसे किया था हमने, सेम स्टेप कि जैसे हमने सी एफ थ्री सी ओ एच के साथ रिमूव किया था, तो सेम चीज़ आप ले लीजिए, हीट करिए, तो बी ओ सी निकल जाएगा एंड वी आर गेटिंग एन एच टू हेयर, ठीक है, अलॉन्ग विद पेप्टाइड चेन। नाउ दिस स्टेप एंड दिस स्टेप, फोर्थ फिफ्थ स्टेप, ये सारे दोबारा दोबारा रिपीट किए जाते हैं। जैसे ये फ्री आ गया अमाइनो एसिड, अब इसको फिर किसी नए अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये पॉलीमर बाउंडेड अमाइनो चेन है हमारी, अमाइनो एसिड लिया
प्रोटेक्शन की, न्यू अमाइनो एसिड को इसके साथ रिएक्ट करो, फिर लंबी चेन बन जाएगी, फिर बीओसी को निकाल दो, नई चेन आ गई, फिर अनदर अमाइनो एसिड लो, फिर उसके साथ रिएक्ट करवाओ, तो ये लॉन्ग चेन हमारे पास बनती जाएगी एंड वट एवर द प्रोडक्ट इज डिज़ायर्ड उसके अकॉर्डिंग आप उतनी देर तक रिएक्शन रिपीट कर सकते हो, ठीक है। द कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द पॉलीमर। अब इसके बाद क्या है हमारे पास कि जब आपको डिज़ायर्ड सपोज करो कि हमने रिएक्शन ख़त्म करनी है कि ठीक है जी हमने 5 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए 6 चाहिए उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन कर ली, तो उसके बाद वाला स्टेप क्या है, यू हैव टू टेक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड जो आपने बना ली है, देन यू हैव टू ट्रीट विद HF, HF के साथ आपने रिएक्ट कर दिया। HF के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा कि जहाँ से पॉलीमर इसके साथ अटैच हुआ था HF बॉन्ड ब्रेकेज होगी फ्रॉम दिस साइड, वी आर गेटिंग COOH बैक एंड दिस साइड एंड वी आर गेटिंग पॉलीमर विच इज़ डिटैच्ड फ्रॉम दिस लॉन्ग चेन, राइट। तो सबसे जो इसकी जो सॉलिड फेस की जो है यूजेस है वो क्या है, जो सिग्निफिकेंट यूज़ था, इट इज़ अ शॉर्ट टाइम प्रोसेस, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एज अ क्लासिकल मेथड हैज़ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस, इट हैज़ हाई यील्ड प्रोसेस, ठीक है, एंड ईजी आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि अगर आपने के पास लंबी चेन बन भी गई द प्रोडक्ट विच इज़ डिज़ायरेबल इट इज़ गेटिंग आफ्टर एडिशन ऑफ HF ईजिली इसको आप निकाल सकते हो। जो सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी सॉलिड फेस सिंथेसिस की जिसके साथ वो था राइबोन्यूक्लियस सिंथेसिस, इसकी सिंथेसिस की गई जिसमें हमारे पास 124 अमाइनो एसिड्स को आप इसी प्रोसेस से एक को रिएक्ट करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो प्रोटेक्शन करते हो, प्रोटेक्शन करने के बाद पॉलीमर से अटैच करते हो, पॉलीमर से अटैच करने के बाद क्या करोगे आप एस्टर बन गया, फिर बीओसी को निकाल दिया, फिर न्यू अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो ये प्रोसेस लंबा चलता गया अंटिल वी रिएक्टेड 124 अमाइनो एसिड। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सॉलिड फेस कि हमने 124 अमाइनो एसिड्स को रिएक्ट करके इसको सिंथेसाइज किया हुआ है विद हेल्प ऑफ सॉलिड फेस सिंथेसिस, राइट। तो दिस इज़ होल थिंग अबाउट सॉलिड फेस पेप्टाइड सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। And if you like my video, then please subscribe this channel. And if you have any doubt in this topic, because this topic is very, very important for your exam, then let me know about this in the comment box. And watch the video and hit the like button. Thank you.